असल बहन भाइयों हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें बिरमान रहीम प्यारे बहन भाइयों अमलियात सीखने के लिए मदरसा फातमत बनात से मदद हासिल कर सकते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं बहुत बहन भाई ऐसे हैं और एक मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया से हैं और कैनेडा से हैं एक मेरी बहन इंडिया से है एक मेरी बहन सऊदी अरेबिया से है इन सब बहनों ने रूहानियत के लिए एक बात बोली है कि रूहानी आँख का अमल बताएँ बातनी आँख का अमल बताएँ रूहानी निगाह का अमल बताएँ कि परियों को देखें कैसे देखें अमल करें मोकिल को देखें तो कैसे देखें आज उसका ख़ास अमल ये एक ऐसा अमल है कि इसकी जितनी भी क़दर की जाए कम है बेहिसाब, मोहब्बत और चाहत रखने वाला और बहुत सी परियाँ आप किताबें के किताबें हो सकते हैं या आपसे मोहब्बत रख सकते हैं अगर ये अमल करेंगे तो बहुत से ऐसे बहन भाई बहुत परेशान अपने घरों में होते हैं बहुत तकलीफ़ में होते हैं तो उनके लिए भी ये ख़ास अमल है बहुत सी माएँ परेशान होती हैं बहुत सी माएँ बेटियों के रिश्तों के लिए बेटों के रिश्ते के लिए परेशान उनके लिए भी ये अमल है अमल का ख़ास तरीक़ा मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन आपको पता है सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से शुरू करते हैं नबी करीम वसल्लम ने इशाद फरमाया मौत की आरज़ू मत करो अगर तुम नेक हो तो शायद ज़्यादा नेकी कर सको और अगर बद हो तो तौबा करके अल्लाह को राज़ी कर लो तो प्यारी बहन भाइयों मरना तो एक दिन है ही लेकिन आरज़ू ऐसी करें कि आप इबादत कर लें ज़िक्र कर लें मरने से पहले आप अल्लाह को राज़ी कर लें ठीक है अगर आपने कोई गुनाह किया है उस पर माफ़ी तलाफ़ी कर लें दो तौबा के नफल पढ़े और अल्लाह से माफ़ी मांग लें फ़ौरन माफ़ी हो जाती है जितने भी ढेरों समुंदर से भी जितनी उसके अंदर कतरे हैं पानी है उससे ज़्यादा भी आपके गुना होंगे तो माफ़ हो जाएंगे तो आप अल्लाह से माफ़ी मांग कर तो देखें ठीक है आज रूहानी निगाह का परी को हाथों पर देखने का अमल ठीक है बंद आँखों के पीछे बंद पर्दों के पीछे दोनों आँखों के दरमियान परी को देखने का अमल ख़ास अमल में आपको समझाऊँगी लेकिन नाजायज इसका इस्तेमाल आप कभी भी नहीं करेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं उन्हें यही नहीं पता कि जो निगाह है रूहानी आँख का जो हिस्सा है समझ लें ये एक आँख है ये एक आँख है हर इंसान के चेहरे पे दो आँखें होती हैं ठीक है ठीके? तो दो आँखों के दरमियान जो हिस्सा है ना वो तीसरी आँख का हिस्सा है उसको निगाह कहते हैं अल्लाह का ख़ास करम हो ना अल्लाह पाक जब अपनी से मोहब्बत करते हैं ना तो उसको कशफ कलूब कर देते हैं यानी यहाँ से निगाह जो तीसरी आँख है उसको भी ओपन कर देते हैं ठीक है इसको कहते हैं रूहानी निगाह बातनी आँख रूहानी आँख आज मैं आपको इसका ख़ास अमल समझाऊंगी और अगर बातनी आँख पहले दिन ही आप अगर आपकी ओपन हो जाए तो आप हथेली के ऊपर यानी हाथ के तले के बिल्कुल सेंटर में सीधे हाथ के ठीक है इस ये दायरा काले मार्कल से लगाएं ठीक है लगाने के बाद इसके ऊपर हल्का सा चमेली का तेल लगा दें ताकि खुशबू पैदा हो जाए तो फिर आप जो अमल समझाने लगी हूँ उसको आप गौर से सुने बुध के दिन ही अमल कीजिएगा इशा की नमाज के बाद अमल कीजिएगा अमल जब करें तो अंधेरा मतलब कि हो ज़्यादा रोशनी ना हो सिर्फ़ मोमबत्ती जितनी रोशनी हो तो काफ़ी है तीन बार द्रोशी पढ़ना है जो सूर्य कोसर है तैतीस बार पढ़ना है तैतीस बार पढ़ने के बाद जब आप इस हाथ की हथेली के दायरे के ऊपर दम करेंगे ना फूक मारेंगे तो आपके सामने जो जिस मतलब कि जिस परी का ये अमल है सूर्य कोसर का तो वो हाजिर होगी हाथ की हथेली पर ठीक है ये एक अलग अमल है बातनी आँख का एक अलग अमल है पहले परी की दुनिया का अमल यानी परी को हाजिर करने का हाथ पर वो समझा रही हूँ फिर आपने अमल जो सा है तीन दिन करना है परी हाज़िर हो भी जाए या आपको रोशनी नज़र ये जो ब्लैक दायरा है काला दायरा है ये बिल्कुल साफ़ रंग का हो जाएगा सफ़ेद होगा चमकता होगा ठीक है और जो आपने चमेली का तेल लगाया होगा हाथ की हथेली पर यकीन माने कि उसमें भी चमक पैदा हो जाएगी और वो उसमें भी आप वाजियाँ रोशनी में आपको यहाँ पर नज़र आया करेंगी एक जो मखलूक होती है परी की वो नजर आए करेगी अब सुरय कौसर को पढ़ने का तरीका सुरय कौसर तैतीस पर असम तो अजब मिकाइल अक्सम तो अज मिहाइल मेहा ठीक है सुरय कौसर एक मरतबा पढ़ें ठीक है और फिर आपने ये वाली इबारत पढ़नी है अजम तो अजब मिकाइल अक अजब मिहाइल परी हाज़िर शो ठीक है इसी तरह एक दफ़ा सुर कोसर पढ़ी और फिर ये दुआ की फिर दूसरी दफ़ा पढ़ी फिर ये दुआ की ठीक है ये परी हाज़िर शो ज़रूर कहना है और जब आप सूर्य कोसर को पूरी पढ़ लें उसके बाद तीन मरतबा फिर द्रूषी पढ़ें और इस हिस्से पे दम करें तीन दिन ये अमल आपने करना है और परी आपके जैसे ताबे कह लें या आपके पास आना शुरू हो जाएगी अलहमदिल्ला ये अमल परी का था अब जिन लोगों जो लोगों की मदद करते हैं उनकी रूहानी आँख का होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए तैतीस मरतबा सुर कौसर को अब आखिर तीन मरतबा द्रूशीफ़ के साथ अपनी हाथों पर दम करें हाथों पर दम करने के बाद दोनों आँखों के दरमियान अपने हाथ को लगाएँ ठीक है अपनी आंखों पर भी लगाएं अपने दोनों आंखों के दरमियान वाले हिस्से पर भी अपने हाथों पर दम करके उंगलियों पर दम करके अपनी आंखों पर फेर लें या सेंटर वाले जो आंखों का हिस्सा होता है वहाँ पर लगाएं तो आपकी रूहानी आंख बातनी आंख थर्ड आई वो ओपन हो जाएगी इन तीन दिन में होगी पर ठीक है पहले दिन आप आंखें बंद रखेंगे और किसी बात का ख्याल ना करेंगे और सिर्फ आपका अमल से तलक है तो आप सिर्फ़ अमल को देखेंगे तो इनशल आपका मसला हल हो जाएगा इन शी परी तो हाजिर होगी और बातनी निगाह का भी मसला हल होगा और बातनी निगाह से भी आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं अब आपने जब बातनी आँख ओपन कर ली और परी की भी हाज़िरी कर ली अब सूर्य कोसर का एक ख़ास अमल में आपको मुराद पूरी करने का समझाने लगी हूँ सूर्य कौसर को तैतीस मरतबा पढ़कर अवल आखिर तीन मरतबा दरूज शरीफ के साथ तीन दिन में आपकी जो मुराद है ये बहुत बड़ी मुराद जिसमें आपकी सत्तर हज़ार हाजात भी हो सकती हैं तो तीन दिन में आपका जैसे बहुत से ऐसे बहन भाई मेरे पास आते हैं जिनको रिस्क की तंगी और जिनको अपने प्यार को पाने के लिए अपने प्यारों को हासिल करने के लिए मदद की ज़रूरत होती है तो वो तीन दिन में अपनी उस मुराद को पूरा कर सकते हैं अब सूर्य कौतर को जब तैतीस मरतबा मुराद पूरा करने के लिए पढ़ेंगे तो तब भी हम ये अजाइम जो उनसे सा है अज़मतवाल वाला ज़रूर पढ़ेंगे सूर्य कौतर को तैतीस मरतबा पढ़ा फिर द्रोशी पढ़ लिया फिर ये वाली अजायम अजामत जो सी वो ज़रूर पढ़ें ठीक है और परी हाजिर शु ना कहें परी हाजिर शु ना कहें तो परी हाजिर होगी बस ये वाली असम ये ये वाली मत पढ़नी है ठीक है असम तो आलैक्म अजब मिकाइल ठीक है अकसम तो अजब मिहाइल ठीक है ये आपने बस पढ़नी है और मुराद क्या मुराद है आपकी परेशान है रिस्क की वजह से परेशान है पैसों की वजह से परेशान है दौलत की वजह से परेशान है ठीक है ना आप घर में फाका गशी है रिश्ते नहीं हो रहे मियाँ बीवी का मसला है शादी ब्याह का मसला है मोहब्बत का मसला है अपने प्यारों को पाने का मसला है तो मुराद के लिए जो भी दुआ मांगेंगे सुबह तक पूरी हो जाती है तीन दिन इसलिए बोला है कि तीन दिन एक पक्की बंदी लगती है पक्की बंदी का मतलब होता है अमल की एक मियाद होती है उसको पक्का करना पड़ता है ताकि वो अमल हमेशा काबू में रहे तो फिर ये आप अमल ज़रूर कीजिएगा अपनी मुराद को पाने के लिए एक बात याद रखें कि जो भी इसका नजायज़ इस्तेमाल करेंगे मुराद पाने के लिए वो नुकसान उठाएंगे। एक भाई को हमने जब ये अमल दिया अमल दिया तो उसने गलत इस्तेमाल पता क्या किया उसने लॉटरी निकालने के लिए प्राइज जैसे प्राइस प्राइज़ बॉन्ड होते हैं वो भाई यूके के थे उन्होंने लॉटरी निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया तो लॉटरी तो उनकी मतलब कि क्या निकली होगी उल्टा उनका नुकसान हुआ क्योंकि जो हराम काम है हराम चीज़ है वो अब जिसमें जरा जर्र, एक ज़र्रा नवाला भी किसी के पैसे में हराम शामिल हो जाए तो उसकी चालीस दिन दुआ कबूल नहीं होती उसके कहने रिस्क में बरकत नहीं होती उसकी औलाद भी नाफरमान हो जाती है तो आपने हलाल रिस्क का तयन करना है अल्लाह पाक उस चीज़ को पसंद करते हैं मुराद पाने के लिए आप रिस्क का भी अमल करें बिल्कुल जिस तरह मैंने समझाया है तो दुआ रिस्क की कर लें जो दिल में मुराद होगी मुराद होती है दिलों की दिलों की दिल में मुराद होती है जो भी जो भी मुराद आपकी होगी दिल में वो पूरी हो जाएगी इन शह आप मुझसे जो अब अमलियात सीखते हैं या मैं आपको समझाती हूँ मैं इसलिए डिटेल से समझाती हूँ ताकि कहीं पर भी कोई कमी ना रह जाए ताकि अगर आप अमलियात सीख रहे हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं या अमल कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी कोई गलती ना हो कोई गलती हो तो एक दफ़ा ज़रूर पूछिएगा अपना ख्याल रखिएगा अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा ये तमाम वीडियो मदरसा फातमत ज़हरा की तरफ से पेश की जा रही हैं जजाकल्ला खैरा असलैलकुम प्यारे बहन भाइयों अगर, अगर आप या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो, तो हमारे फेसबुक ऐप पर आकर आप, आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं।, कर हैं।, हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम आपकी वालदा का नाम सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तारा भी कम सकते हैं जजाकला और अगर आपने इस्तारा करवाना है तभी रहा करें अगर इस्तारा नहीं करवाना तो ये दीन है ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाय करें आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती जैसा कला